है कोई इस बर्बाद प्रांत में जो यह भेद मुझे समझा दे, है कोई इस बर्बाद प्रांत में जो यह भेद मुझे समझा दे। किसे ज्ञात है इस खंडहर की कन कन में जो छिपी व्यथा है, किसे ज्ञात है इस खंडहर की कन कन में जो छिपी व्यथा है। मैं भी इसी मगध का वासी, मैं भी इसी मगध का वासी, अनजान रहा हूँ अब तक मैं भी, मैं भी इसी मगध का वासी, अनजान रहा हूँ अब तक मैं भी। कोई मुझे बस यह समझा दे, कोई मुझे बस यह समझा दे, क्यों खंडहर है, क्यों जलकर यह राख हुआ, क्यों खंडहर है, क्यों जलकर यह राख हुआ। उठता है एक प्रश्न पल पल मेरे मन में, उठता है एक प्रश्न पल पल मेरे मन में, आखिर कौन अपराध किया इस विद्यापीठ ने, आखिर कौन अपराध किया इस विद्यापीठ ने। धू धू कर जिसने यह जलाया, धू धू कर जिसने यह जलाया, क्या उसके नाम से हमारा खून खौलता है, क्या उसके नाम से हमारा खून खौलता है। लेकिन हम हैं कैसा आदर्शवादी, लेकिन हम हैं कैसा आदर्शवादी, इस आक्रांता को ही जय जयकार किया, इस आक्रांता को ही जय जयकार किया। उसी के नाम स्टेशन तो उसी के नाम पर शहर का नाम दिया। शायद हमको कई रोगों ने घेरा है, शायद हमको कई रोगों ने घेरा है, आज लोग जिसे हम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, आज जिसे हम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। गैरों को गले लगाते लगाते, गैरों को गले लगाते लगाते, अपनों का दर्द हमने कब सुना है, अपनों का दर्द हमने कब सुना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार एकलव, एकलव विद्याग्राम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में कहने जा रहा हूँ जो नालंदा विश्वविद्यालय से भी बहुत प्राचीन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 415 से 453 ईस्वी के बीच में हुआ, लेकिन जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह नालंदा विश्वविद्यालय बनने के 450 साल पहले का है, बना था। उसका नाम है तिलढक विश्वविद्यालय, तिलहारा विश्वविद्यालय जी, बिहार के नालंदा जिले के में, यह एकंगरसराय प्रखंड में है, तिलढक विश्वविद्यालय था। यह प्राचीन नालंदा से 35 किलोमीटर पश्चिम, जहानाबाद शहर से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व अवस्थित है। सबसे पहले 1832 ईस्वी में नालंदा के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ब्रॉडले ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें तिलढक या तिलहारा विश्वविद्यालय के बारे में बताया। 1875 से 1878 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम ने तिलहारा के छिपे इतिहास के बारे में कहा, परंतु उत्खनन नहीं हो पाया। इस विश्वविद्यालय का उल्लेख आईने अकबरी में तिलदाह के रूप में किया गया है और इसे बिहार सरकार के 46 महलों में से एक बताया गया। तिलढक विश्वविद्यालय का निर्माण पहली सदी के बिंबिसार के अंतिम वंशज के द्वारा किया गया था। यूं तो बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा और धर्म का महान केंद्र रहा है। यहाँ के नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, तिलहारा यूनिवर्सिटी आदि शिक्षा का ज्ञान केंद्र था। यहाँ जापान, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, चीन आदि से विद्यार्थी आकर विद्या अध्ययन करते थे। तिलहारा विश्वविद्यालय उस समय उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ ज्ञान विज्ञान की कई शाखाओं की पढ़ाई की जाती थी। बिहार की गरमामय इतिहास में तिलढक या तिलकिया विश्वविद्यालय की खोज एक नई उपलब्धि है। प्राचीन नालंदा के करीब 35 किलोमीटर पश्चिम सूरी और कतार नदी के मध्य उर्वरा भूमि में यह महाविहार था। यह महाविहार नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के तिलहारा गांव में अवस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान 2007 ईस्वी में इसे देखे और देखकर कला एवं संस्कृति विभाग को उत्खनन के लिए बोला। 26 दिसंबर 2009 को पुरातत्व एवं उत्खनन विभाग द्वारा इसे उत्खनन किया गया, जिसका पहला फावड़ा श्री नीतीश कुमार चलाए।
इसका उल्लेख 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग ने तिलढक विश्वविद्यालय के रूप में किया है। इस स्थल से प्राप्त अभिलेखों में सात विहार रहने की चर्चा की है। हुएनसांग के अनुसार तेल्हारा विश्वविद्यालय में 1000 विद्यार्थी के रहने की व्यवस्था थी, यानी तेल्हारा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए 1000 विद्यार्थी पढ़ते थे। बिहार सरकार द्वारा उत्खनन में तेल्हारा में पहली शताब्दी में कुषाण काल का अवशेष मिले हैं। इसके बाद गुप्ता काल की, पाल काल की टेराकोटा, सघन कच्छ, आंगन, कुएं, बौद्ध मंदिर, तप में लीन बुद्ध की प्रतिमा मिला है। इसके ईंट 42x32x6 सेंटीमीटर की है, जो यह कुषाण काल की जान पड़ती है। नालंदा विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की जाती थी, परंतु तिलढक विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का केंद्र था। उस समय इसके कुलपति प्रज्ञाभद्र थे, जो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इसके मुख्य द्वार पर पाली भाषा में लिखा था, श्री प्रथम शिवपुर महाविहार तिलढक। लेकिन 1198 ईस्वी में एक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने पाटलिपुत्रा से आते हुए मसौढ़ी के रास्ते से तेल्हारा आया और चारों तरफ तहस नहस कर दिया। पहले तो वह कत्लेआम किया, फिर उसमें आग लगा दी। उसे शायद मालूम था किसी भी देश पर राज करना है तो उसके सभ्यता, संस्कृति, विद्यापीठ को खत्म कर दो, फिर वह स्वयं पंगु बन जाएगा। बख्तियार खिलजी ने हमारी सभ्यता, हमारे विद्यापीठ को नष्ट किया। उसके साथ हमने क्या किया, हमने उसके नाम पर ही शहर बसा दिया, बख्तियारपुर। उसके नाम पर ही स्टेशन बना दिया, बख्तियारपुर जंक्शन। ऐसा विश्व इतिहास में कहीं नहीं दिखाई देता। यह नाम सुनकर लगता है भारत नहीं है यह वीरों की धरती, जहां इतने बड़े बड़े वीर पैदा होते थे। दूसरों को गले लगाते लगाते अपना गला काटने पर भी हम उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। उसने हमारे ऐतिहासिक कालखंड को ही निर्वस्त कर दिया, 1000 पीछे ढकेल दिया, और हम उसी की गुणगान करते हैं। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में खून उजला हो गया है। बख्तियार खिलजी भारतीय इतिहास का एक ऐसा कलंक है जो सदियों सदियों तक घाव देता रहेगा। हमने इस मनोवैज्ञानिक रोग का नाम दिया स्टॉकहोम सिंड्रोम। बात 1973 ईस्वी की है, जो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में जॉन इरिक ओल्सन ने एक बैंक में उसके 4 कर्मचारियों को किडनैप कर लिया। बंधक कर्मचारियों ने किडनैपर्स के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, उसके साथ सहानुभूति दिखाई। यही नहीं, लड़कियों ने गवाही देने से इनकार कर दिया और किडनैपर्स को केस लड़ने के लिए अपना पैसा दिया। उनसे मिलने जेल भी गई। इस मनोवैज्ञानिक दशा को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा गया। बिहार के तिलढक विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला बख्तियार खिलजी को हमने क्या किया? उसी के नाम पर शहर बसा दिया, उसी के नाम पर स्टेशन नाम दिया। क्या पूरा बिहार की जनता नवयुवक स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार नहीं है? अगर नहीं है तो इस आतताई आक्रांता के नाम को उखाड़ फेंकिए। इस आतताई आक्रांता के नाम को उखाड़ फेंकिए। यही हमारे लिए नालंदा और तिलढक विश्वविद्यालय में जले लोगों के लिए शहादत होगी। हमको लगता है तिलढक स्टॉकहोम सिंड्रोम से पहले नालंदा सिंड्रोम हमें हो गया था। इसका दूसरा नाम कुछ भी रखिए, APJ अब्दुल कलाम, आर्यभट्ट, राजेंद्र प्रसाद या और कुछ भी, पर यह बख्तियार खिलजी नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूँगा, जब दुश्मन के हाथों में हो तलवार, आँखों में हो सोनीत, जब दुश्मन के हाथों में हो तलवार, आँखों में हो सोनीत, बुद्धम शरणम गच्छामि यह मंत्र नहीं चलता है, बुद्धम शरणम गच्छामि यह मंत्र नहीं काम आता है। अरे 10,000 में से तुम कुछ 100 हथियार उठा लेते, अरे 10,000 में से तुम कुछ 100 हथियार उठा लेते, खिलजी जैसे हजारों आतताई को 100 टुकड़े किए होते, खिलजी जैसे हजारों आतताई को 100 टुकड़े किए होते। तिलढक विश्वविद्यालय का दूसरा पार्ट फिर जरूर जल्दी आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें।
धन्यवाद।